पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। पीएम मोदी के लगातार अलग अलग राज्यों में दौरे चल रहे हैं और कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है कि इस बार वो बीजेपी को सत्ता से हटाकर मानेगी। लेकिन इन सबके पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के 5 राज्यों में 7 नवम्बर से शुरू होकर 30 नवंबर तक कुल 4 चरणों में मतदान होंगे और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, जबकि बाकी राज्यों में एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। साल के ये आखिरी चुनाव सेमीफाइनल तो नहीं, लेकिन 2024 के आम चुनाव के लिए रिहर्सल जैसे जरूर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक चुनाव का पहला चरण 7 नवंबर को शुरू होगा और आखिरी चरण के वोट 30 नवंबर को डाले जाएंगे। वोटिंग के साथ ही नतीजे 3 दिसंबर को आने की संभावना है। वहीं 5 राज्यों में कुल 4 चरणों में वोटिंग होगी। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे, बाकी राज्यों में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। शुरुआत मिजोरम से 7 नवंबर को होगी, जबकि आखिरी चरण में तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। वहीं चुनाव तारीखों की घोषणा तो अब हुई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां काफ़ी पहले से ही चुनाव कैंपेन शुरू कर चुकी हैं। अब तक का हाल तो यही बता रहा है कि 3 राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। और अगर बीजेपी की इस दौरान बात की जाए तो बीजेपी तो सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां वो अपने मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ही चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी तेलंगाना में काफ़ी जोर मार रहे हैं। और पहले चरण में मिजोरम में चुनाव 7 नवंबर को होने हैं और मिजोरम में जोरामथंगा मुख्यमंत्री हैं और सत्ताधारी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF उनके ही चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर रही है। बताते चलें कि 2008 के बाद से 10 साल तक सत्ता से बाहर रही MNF सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत है। 40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा में कांग्रेस ने 2013 में MNF को 5 सीटों पर ही समेट दिया था और 34 विधायकों के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन 2018 में कांग्रेस खुद भी 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी और 26 विधायकों के साथ जोरामथंगा ने सरकार बना ली थी। और दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 7 और 17 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल के शासन के बाद से बीजेपी ने 2018 में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवा दी थी और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने 15 महीने में ही हिसाब बराबर कर लिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए पूरे 5 साल इंतजार करने पड़े। इस बार 7 नवंबर और 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में वापसी कराने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की पहली सूची में बीजेपी ने एक सांसद को विधानसभा का टिकट दिया है। बीजेपी सांसद विजय बघेल इस बार पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन सीट से ही विधायक हैं और लड़ाई इस बार कका बनाम भतीजा की होने जा रही है। 5 चुनावी राज्यों की अगर बात करें तो कांग्रेस का ज़्यादा जोर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर ही दिखाई दे रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मोर्चे पर तैनात देखे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होगी वोटिंग। जी हां, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने का मुकाबला है। वहीं छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी को कांग्रेस की सरकार बनने का पूरा भरोसा है, लेकिन मोर्चे पर राहुल गांधी से ज़्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने से हमला बोल रहे हैं। शुरू में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ा बहुत परहेज भी करते थे, लेकिन अब तो वो खुलकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी हमला बोल दे रहे हैं। और राजस्थान की अगर बात करें तो 23 नवंबर को यहाँ मतदान होने हैं। 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा दिलचस्प राजनीति तो राजस्थान में ही देखने को मिल रही है और वहाँ जो हाल कांग्रेस का है, बीजेपी की हालत भी मिलती जुलती ही है। गांधी परिवार ने तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के हवाले ही छोड़ दिया है। ऊपर से राजस्थान को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो तो और भी गंभीर लगता है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि राजस्थान को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है।
राजस्थान में राहुल गांधी के हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान चुनाव में हार जीत का फैसला जनता की खुशी या फिर नाराजगी से नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के आपसी झगड़ों से तय होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां कांग्रेस की चुनावी कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं, वहीं बीजेपी में ये सब दिल्ली से तय हो रहा है। और आखिरी में तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तो सत्ता में वापसी के लिए पार्टी का नाम तक बदल दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की जगह अब KCR की पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति हो गया है। KCR ने अपनी तरफ से लोगों को तो यही समझाने की कोशिश की है कि वो पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने जा रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि ये सब सत्ता बचाने की तरकीब से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि तमाम पार्टियों के अपने अपने दावों के बावजूद बाजी कौन मारेगा।